नमस्कार, मैं आपकी वासुगुरु मान्या आपका स्वागत करती हूं इंडिया न्यूज पर। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर। सावन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के हाथों पे कलाई बांधकर भगवान से उसके लंबी आयु की कामना करती है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार माने तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल भी रहेगा, इसलिए भूल कर भी इस काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर कब रहेगा भद्रा काल और कब है राखी बांधने का शुभ समय। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा। 11 अगस्त को शाम 5:17 से लेकर रात्रि 8:51 तक रहेगा। भद्रा काल को हिंदू धर्म में अशुभ समय बताया गया है। मान्यता है कि लंकापति रावण की बहन भद्रा काल में ही अपने भाई को कलाई पे राखी बांधी थी, जिससे 1 वर्ष के भीतर ही रावण का विनाश हो गया था। इसलिए इस समय राखी बांधने से बचें। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस शुभ मुहूर्त के दौरान बहन कभी भी अपने भाई के कलाई में राखी बांध सकती है। रक्षाबंधन के दिन यानी 11 अगस्त को सुबह 11:37 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:29 अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त के में कभी राखी बांधी जा सकती है। वहीं दूसरा शुभ समय विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से शुरू होगा, जो 3:07 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में कभी भी राखी बांधी जा सकती है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन बनी हुई है। कुछ ज्योतिष 11 अगस्त को बता रहे हैं तो कुछ 12 अगस्त को। ऐसे में राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और दिन के बारे में किसी ज्योतिष से परामर्श अवश्य कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।